बात यह है कि जो इंसान बचपन से लेके अब तक कभी टूर पे नहीं गया हो और ना ही नॉर्दर्न गया हो और उसको कश्मीर एक्सप्लोर करने का मौका मिले, सो यू कैन ऑलरेडी इमेजिन कि वो इंसान क्या जवाब देगा। मैंने भी वही जवाब दिया। हमारे पास मोटिवेशन होती है कि हमने वहाँ तक पहुँचना है, और जब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो जो एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है, तो क्या बताऊँ मैं उस एनवायरनमेंट का आपको, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और साइलेंस होती है वहाँ पे, इंसान को टाइम स्पेंड करने का दिल करता है। लेकिन डिस्पाइट द जब हम वापस टूवर्ड द ग्राउंड होते हैं और हम टूवर्ड्स द ग्रेविटी होते हैं, तो वो कंट्रोल की वेरिएशन की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं कि हमें कहाँ पर स्टेप रखना है, कहाँ पर स्टेप नहीं रखना। तो ये है कि एक आपका स्टेप और एक गलत फैसला आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब आप अपनी मंजिल की जानिब कॉन्सेंट्रेट होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये एक अलग ही कनेक्शन होता है आपका नेचर के साथ। तो बेसिकली हाइकिंग ये होती है कि आपको जो है ना 2 से 3 घंटे हाइकिंग करके आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो जब ऊपर जाके जो व्यूज और जो वाइब्स चेक करते हैं, वो जो है ना आपकी सारी थकन दूर कर देते हैं, क्योंकि वो व्यूज है ऐसे। बाकी जो है ना आप जो व्यूज है, वो जो नेचर आप जो एंजॉय करते हैं, वो जो है ना आपको सारी दुनिया भुला देते हैं। जिस दुनिया भूल जाने वाली फीलिंग्स की ये लोग बात कर रहे हैं, अब उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करने का वक्त आ गया है। आपको ऐसे लगता है कि बस दैट वाज माय लास्ट एक्सपीरियंस, लेकिन इतना रिस्क लेके आप जब ऊपर चढ़ते हो, तो ऊपर जाके जो आप व्यूज चेक करते हो ना, अमेजिंग। उधर ही सारे वैसे उसी के हैं, कमाल यार।